तो यह है करीमाबाद का अंडरपास जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव। और यहाँ फ़िलहाल हो ये रहा है कि डंपर आ रहे हैं और डंपर आने के बाद जो है फिल हो रहे हैं। नॉर्मली एक जो डंपर होता है वो 18 से 22 फिलिंग में जो है फिल हो जाता है, मगर रिफ़िल का जो सीनेरियो है बहुत स्लो चल रहा है। वरना पहले ये होता था कि जब रिफ़िलिंग हो रही होती थी किसी भी डंपर में मिट्टी डंप करनी पड़ती थी तो बैकअप में एक डंपर होता था कि जैसे एक डंपर जाता था तो दूसरा डंपर फिल होने के लिए आ जाता था। मगर अब जो है वो हो ये रहा है कि एक डंपर आता है वो फिल होता है वो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद या काफ़ी देर बाद फिर एक और डंपर आता है, फिर वो आता है, फिर फिल होता है, फिर वो जाता है। तो बैकअप में 3-4 डंपर नहीं खड़े होना। पहले होता था कि पहले इसको फिल किया जाता था और फिल करने के बाद जो है डंपर को जो है वो फिल करने के बाद 5 या 6 डंपर मौजूद होते थे। अब देखिए आप ये कि मशीन को जो ऑपरेट कर रहा है उसने डंपर को फिल किया, अब वो डंपर में बैठ के जा रहा है। तो ये समझ में मुझे आ नहीं रहा कि जो डंपर है डंपर जो फिल कर रहा है वही डंपर फिल कर रहा है और वही ट्रक के साथ जा रहा है। तो ये क्या सिनेरियो है कुछ समझ में आ नहीं रहा, क्या एक ही डंपर काम कर रहा है बाकी डंपर किधर है। तो ये सिचुएशन है जो कि इतनी ख़ास नहीं है और जो है काफ़ी मैस वाली बात है कि यार आप बैकअप में तकरीबन 10 डंपर होने चाहिए कि आपने एक फिल किया दूसरा आ जाए, दूसरे को फिल किया तीसरा आ जाए, तीसरे को फिल किया चौथा आ जाए। जब इस तरह का स्लो काम होगा और आप काम को प्रोलॉन्ग करेंगे तो होगा क्या कि जो 1 अरब की चीज़ है वो 4 अरब पर चली जाएगी, क्योंकि पर डे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। जो पर डे आपका जो ठेकेदार है या पर डे जो आपका मजदूर है जो पैसे ले रहा है जो दिहाड़ी ले रहा है वो एक दिन की दिहाड़ी जो एक दिन का काम है वो जब 10 दिन पर जाएगा तो 10 दिन की दिहाड़ी बन जाएगी। तो ये समझ उससे बालातर है कौन इस चीज़ को देख रहा है, कौन इस चीज़ को फॉलोअप कर रहा है। जो काम एक काम हमारे सामने हो चुका है, चले ऐसा होता ना कि करीमाबाद का अंडरपास बना होता और बनने के बाद जो हम शुरू वेरी फर्स्ट डे से देखते कि काम इस तरह स्लो चल रहा है, नहीं हमने पहले दिन से देखा और 8 फरवरी तक देखा कि काम इतना आउटस्टैंडिंग चल रहा था कि मशीनें ये जो मशीन खड़ी हुई ना इस तरह की 3-4 मशीनें होती थी और डंपर तकरीबन 15-16 बैकअप में होते थे कि एक डंपर भरा दूसरा किया दूसरा भरा तीसरा आया चौथा आया, साथ साथ जो है सीमेंट वाला डंपर आ रहा है ताकि वो बेसमेंट और साइड की दीवारें बनाएं। मगर अभी जो सीनेरियो बिल्कुल ही चेंज है, यानी अभी लग ही नहीं रहा कि यार कि अंडरपास को विद इन 4 मंथ्स या 5 मंथ्स इस पहले मरहले को कम्प्लीट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्लो काम हो रहा है। और ऐसा स्लो काम होना जो है एक समझे कि ऐसी चीज़ है जो कि अच्छा इम्प्रेशन नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने खुद देखा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के 4 महीने में काम इतना तेज़ हुआ कि हमें लग रहा था कि शायद जो पूरा अंडरपास है यानी 3 मरहले वाला अंडरपास काका भवानी से लेकर मीना बाज़ार, मीना बाज़ार से सोनी, सोनी शॉपिंग मॉल से लेकर जियाउद्दीन, ये 3-6 महीने में बन जाएगा, इतना तेज़ काम हो रहा था। मगर अब काम बहुत स्लो हो गया जो कि एक अलार्मिंग कंडीशन है।